हिरन लिट्टी रखा चुका है बनने के लिए, मुआ काफी ज्यादा लग रहा है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सचिन और आपका मेरे चैनल सचिन रॉक जीकेपी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सालों बाद आज हमारे घर में तरकुलहा देवी माता मंदिर जाने का प्लान बना है, तो मैं तो पूरी तरह से रेडी हूँ। और अब नीचे देखते हैं कि सभी लोग तैयार हुए कि नहीं, और फिर हम लोग निकलते हैं गोरखपुर के सबसे प्राचीन तरकुलहा देवी मंदिर। सो फ्रेंड्स, चलते हैं। यहाँ बैग में सारे सामान रखा चुके हैं और घर के सभी लोग इधर रेडी हैं। ये देखिए नाराज हैं क्योंकि हम इसे लेके नहीं जा रहे हैं। पटू, देखते हैं सबको जल्दी जल्दी बुलाते हैं। यहाँ सभी लोग तैयार हो गए हैं। कहाँ जा रही हूँ बताओ? तरकुलहा देवी। तरकुलहा देवी, देखिए यहाँ सभी लोग रेडी हैं, अब हम लोग निकलने के लिए तैयार हैं। प्राचीन तरकुलहा मंदिर की आपको दर्शन कराएंगे और पूरी नॉलेज देंगे वहाँ की मान्यता के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। तरकुलहा देवी के स्थान पर आ चुके हैं, तो यहाँ सबसे पहले हम एक मड़ई लेंगे जहाँ हम अपनी गाड़ी खड़ा करेंगे और खाना वगैरह जो बनाए जाते हैं वहीं पर हम बनाएंगे। तो अभी चलते हैं मड़ई लेंगे। ये आप पीछे देख सकते हैं इस टाइप की।
पांच लोग हैं। अरे खाना होना भी बनाना है। अगर आप यहाँ तरकुलहा देवी मंदिर आते हैं तो ये आपको जगह मिल जाता है इतना, जिसका 300 रुपए कॉस्ट है, और उसमें आपको एक चारपाई, ये चौकी मिलेगा, और ये दो तीन कुर्सियां भी मिलेंगी, और आप यहाँ पर अच्छे से मतलब बना सकते हैं और अपनी पार्टी वगैरह कर सकते हैं। और अभी हम थोड़ी देर में जाएंगे मंदिर दर्शन करने, तो फिर मंदिर चलते हैं, वहाँ की लोकेशन आपको दिखाते हैं।
वापस से वहाँ जा रहे हैं जहाँ हमने एक जगह लिया हुआ था जहाँ हम खाना बनाएंगे वहाँ पर। यहाँ की मान्यता ये है कि अगर आप तरकुलहा जाते हैं तो यहाँ पे बकरा का बलि चढ़ता है, मुर्गे का भी चढ़ता है, और यहाँ लोग श्रद्धा से आते हैं और यहीं पर खाना बना करके प्रसाद अर्पण करते हैं। तो हम लोग भी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। अच्छा खसी में कटवाई लो अपन भैया कह लो कि भैया नहीं जो आप कहेंगे वो काट देंगे। हे वाला ये भैया कौन कोई चिंता तो ये वाला तो सारी तैयारियां हो चुकी हैं और यहाँ पर हम लोग घर से पहले से मसाला वगैरह सब कुछ तैयार करके लाए थे तो यहाँ पर है। प्याज वह छिला चुका है और पीछे चूल्ही भी तैयार है, गोईठा लकड़ी सब आ चुका है और अभी हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। नाश्ता करके फिर खाना बनाने पे भिड़ते हैं और इसी तरह आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको आगे भी दिखाते हैं। Thank you.
का खाना बनने को रखा चुका है और अभी जब तक बनता है खाना उस साइड और तब तक हम लोग बैठे हैं। और यहाँ देखिए बहुत से लोग आए हैं काफ़ी दूर से, मेरे पीछे आप देख सकते हैं और मेरे आगे भी हैं। यहाँ पर लगभग 2 से 3 हज़ार लोग यहाँ मौजूद हैं चारों तरफ देखा जाए तो। और यहाँ नवरात्र के समय, दुर्गा पूजा के समय काफ़ी भीड़ें होती हैं। ये हमारा खाना यहाँ चढ़ चुका है और यहाँ पे देखिए इस साइड भी लोग बना रहे हैं और इस साइड भी, और यहाँ पे चारों तरफ जो है मैं आपको दिखाऊंगा। आप यहाँ की यही मान्यता है, लोग तरकुलहा देवी मंदिर आते हैं और यहाँ पे मटन बना करके खाते हैं, यही यहाँ का प्रसाद है। और हम लोग यहाँ लिट्टी बनाना स्टार्ट कर चुके हैं और इधर काजल और ये निधि लिट्टी बनाने में लगी हुई हैं। इधर लिट्टी रखा चुका है बनने के लिए, मुआ काफी ज्यादा लग रहा है। हमारा खाना बन करके पूरी तरह से तैयार है और ये काफी स्वादिष्ट बना है। बोलो अच्छा बना है, हम बनाए हम लोग खाना खा चुके हैं, अब थोड़ा मेला घूम लेते हैं। और ये तरकुलहा देवी का मंदिर का मेला है बहुत बड़ा। एंड कंपनी बॉम्बे वाली जो आपके लिए लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक सामान का भंडार। क्या ले रही आया एक रेस लगा ला मैं दूसरा।